है, तो उसके लिए ये इंग्रेडिएंट्स है। एक बड़ा बाउल पोहा लेने का, एक छोटा बाउल प्याज लेने का, आधा कटा हुआ टोमेटो, करी लीव्स लिए है, हरी कटी हुई मिर्च लिए है, और ये आलू लिए है छोटे पीसेस करके, ये कोरिएंडर है, ये जीरा है, हल्दी पाउडर लिए है इधर, और ये राई है, ये मटर के दाने छिले हुए लिए है, और नमक। चलो तो शुरू करते हैं पोहा बनाने की रेसिपी। शुरू करते हैं पोहा बनाने की रेसिपी। उसके लिए पैन में 2 चम्मच तेल डालते हैं, तेल अच्छी तरह गरम होने के बाद उसमें हम राई डालते हैं, थोड़ा सा जीरा डालेंगे, फिर उसमें करी लीव्स डालेंगे, और उसमें अभी 1 बाटी कटा हुआ प्याज डालेंगे। इसको अच्छे से फ्राई करना है लाल होने तक। अभी देखो हमारा प्याज अच्छे से फ्राई हो रहा है, उसका कलर चेंज हो रहा है, थोड़ा सा गुलाबी कलर आ रहा है उसको। अभी इसमें हम टोमेटो डालेंगे, आधा कटा हुआ टोमेटो इसमें हम डालेंगे। अब इसमें हम हरी मिर्च डालेंगे, आपके हिसाब से आपको कितना तीखा चाहिए उस हिसाब से डालेंगे। इसको अच्छे से फ्राई करना है। अब हमारा प्याज टोमेटो हरी मिर्च अच्छे से भून गए हैं। अभी इसमें हम मटर के दाने डालेंगे, अभी इसमें हम कटा हुआ आलू डालेंगे, इसको आप ढकना पड़ेगा क्योंकि मटर और आलू अच्छे से पक जाने चाहिए, इसको 5 मिनट के लिए ढकना पड़ेगा। गैस लो कीजिए और इस पर ढक्कन रखिए। अभी आलू और मटर अच्छे से पक गए हैं, अभी बारी है पोहा की, तो आओ हम पहले पोहा धोते हैं अच्छे से। पोहा धो रहे हैं हम, पोहे को ज्यादा पानी में नहीं रखने का है, सिर्फ पानी से ऐसे निचोड़ के निकालने का है। अब पोहा को ज्यादा टाइम पानी में नहीं रखना है, नहीं तो गल जाएगा, तुरंत निकालना है पानी के बाहर। अभी हम इसमें स्वादानुसार आधा चम्मच हल्दी डालेंगे, हल्दी को थोड़ा भूनेंगे, उसके बाद वॉश किया हुआ पोहा इसमें डालेंगे, इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। इसको 5 मिनट के लिए ढककर रखना है। 2 मिनट में इसमें अभी नमक मिलाना है, स्वादानुसार नमक डालना है आपको जितना पसंद है।
अभी इसको 2 मिनट के लिए ढक्कन तो लीजिए। अभी हमारा पोहा तैयार है, हो गया है वो अच्छे से। अभी उसमें हम थोड़ी सी कोरिएंडर डालेंगे, हरा धनिया। गैस बंद करना पड़ेगा। अभी हम उसे नींबू के साथ सर्व करेंगे। गार्निशिंग के लिए थोड़ी सी कोरिएंडर डालेंगे।